बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की शनिवार को 30वीं डेथ एनिवर्सरी है। उनका निधन 2 जून 1988 को दिल्ली में हुआ था। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की शनिवार को 30वीं डेथ एनिवर्सरी है। उनका निधन 2 जून 1988 को दिल्ली में हुआ था। कम ही लोग जानते हैं कि एक फिल्म की वजह से राज कपूर और उनके छोटे बेटे के रिश्तों में दरार आ गई थी। ये फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। इस बात का खुलासा मधु जैन ने अपनी किताब कपूरनामा में किया है। डैश मधु जैन की किताब कपूरनामा के मुताबिक राजीव कपूर ने यूं तो 1983 में आई फिल्म एक जान है हम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनके करियर ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। इसलिए राज कपूर ने 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली बनाई और बेटे राजीव को दोबारा लॉन्च किया। डैश फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन राजीव को इसका श्रेय नहीं मिला, बल्कि फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी को सारा क्रेडिट मिल गया। डैश जैसे जैसे फिल्म चर्चित होने लगी, राजीव कपूर पिता राज कपूर से नाराज होते गए। इस फिल्म के बाद बाप बेटे में काफी अनबन भी हो गई थी। डैश राम तेरी गंगा मैली सिर्फ राज कपूर और मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। राजीव को इस फिल्म के हिट होने का कोई फायदा नहीं हुआ। दश इस फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन राजीव कपूर आगे नहीं बढ़ पाए। दश इस बात के लिए राजीव कपूर ने सारा दोष पिता राज कपूर पर डाल दिया। दोबारा बाप बेटे ने नहीं किया साथ में काम। राम तेरी गंगा मैली के बाद राज कपूर ने दोबारा कभी राजीव को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई। इस बात से राजीव पापा राज से बेहद नाराज थे। राजीव ने लवर बॉय, हम तो चले पर देश, अंगारे, शुक्रिया जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वे बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाए। कहा जाता है कि वे पिता से इतने ज्यादा नाराज थे कि उनके मरने के बाद वो अंतिम संस्कार में भी नहीं गए।